ओके, तो आज बात करेंगे एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। एक पेंशन रिलेटेड स्कीम, ताकि आप कोई रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन मिले, और लो इनकम ग्रुप के लिए स्पेशली, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस स्कीम में, इसलिए भी हो सकता है कि बहुत लोग इसको सर्च कर रहे हों। इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना, ठीक है, APY, आपने सुना होगा। ये 2015 वगैरह में लॉन्च हुई थी, और इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये है कि अक्टूबर से, अक्टूबर 2022 से, इसमें अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप अगर अकाउंट खुलवाते हो भी हो तो वो बंद हो जाएगा, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न कर दी जाएगी। अब ये क्यों स्टेप लिया गया, क्योंकि देखो ये बेनिफिट के लिए लाया गया था लो इनकम ग्रुप्स के लिए ही, ठीक है। लो इनकम ग्रुप्स मतलब बेसिकली जो मजदूर होते हैं या उस टाइप के लोग, समझ रहे हो, और जो अच्छे खासे लोग हैं जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उनके लिए और भी स्कीम्स हैं, PPF है, NPS है, ये सब है। इसलिए इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए, अब जो इनकम टैक्स भरेगा वो तो अच्छे ही सेंस में होगा, क्योंकि उसका तो स्लैब से ऊपर ही इनकम होगी, ठीक है। अब देखो इसमें पांच प्लान होते हैं। अगर आपको महीने के 1,000 रुपये पेंशन चाहिए, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना होता है। और कंट्रीब्यूशन आप हर महीने कर सकते हो, हर क्वार्टर में कर सकते हो, या 6-6 महीने पे कर सकते हो, इसको हाफ ईयरली बोलते हैं। अब इसमें लॉक इन पीरियड क्या है, तो लॉक इन पीरियड जैसा रिटायरमेंट का एज है 60, तो 60 तक इसका लॉक इन पीरियड है, आपकी आज की डेट से लेकर 60 तक। और आप कब से शुरू कर सकते हो इन्वेस्टिंग, तो एज लो एज 18 साल, ठीक है, 18 साल से देखो ये स्टार्ट हो जाता है, और ये नीचे 40 साल तक जाता है। अब इस आप इस चार्ट में देख पा रहे हो, अगर आप 18 साल के हो तो आप 42 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे, क्योंकि 60 ईयर्स की एज हो जाएगी, और मंथ के आपको सिर्फ 42 रुपीज़ जमा करने हैं 1,000 की पेंशन के लिए। वैसे ही 2,000 की पेंशन के लिए आपको मंथली 84 देने हैं, 3,000 की पेंशन के लिए 126 देने हैं, ठीक है, तो 4,000 के लिए 168 और 5,000 के लिए 210, ठीक है। तो आप इस तरह से चार्ट को देख लेना, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। तो 18-19 के लिए आप 41 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहोगे, ठीक है, इस तरह से आप चार्ट को देखते रहो। ये 1,000 रुपये का कॉलम है, ये 2,000 का कॉलम है, ये 3,000 का कॉलम है, ये 4,000 का, और ये 5,000 का, ठीक है। तो पूरा हो गया, ये 40 साल तक आप इतने इन्वेस्टेड रहोगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। अब चलते हैं SBI पे और देखते हैं अप्लाई करने का क्या फीचर है। ये चार्ट आपको आराम से मिल जाएगा, आप जैसे ही सर्च करोगे कि क्या है APY का सब्सक्राइबर का ये मंथली कितना प्लान लेना है, तो गूगल पे सर्च करते ही वो आ जाता है। अब चलते हैं योनो ऐप पे। वैसे तो मैं सच बोलूँ तो योनो ऐप पे कुछ फीचर मिलते हैं नहीं, ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये बार बार SBI ऑनलाइन की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है, जो कि बेसिकली SBI की नेट बैंकिंग ही है। आप डायरेक्टली उसमें भी लॉग इन कर सकते हो। यहाँ से आप नीचे तक स्क्रॉल करोगे, यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन आता है, ठीक है, आप सर्विस रिक्वेस्ट पे जाओगे। सर्विस रिक्वेस्ट के बाद आप यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स पे आ जाओगे। गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आपको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना मिलेगी। शॉर्ट में अगर समझाना चाहूँ तो APY तो अभी समझा दिया कि 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी पर मंथ, ठीक है। नॉमिनी का भी ऑप्शन होता है, तो आपके नॉमिनी को भी मिल जाएगी। PMJJBY बेसिकली टर्म इंश्योरेंस है, अगर आपने LIC वगैरह के बारे में सुना हो तो ये वैसा है। सुरक्षा बीमा योजना है, ऐसा सिर्फ 12 रुपये से 20 रुपये, अब तो उसकी भी उसमें भी चेंज आया, 20 रुपये कर दिया गया है, 20 रुपये में ऐसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आपने सुना हो तो ये वो है। और सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड होती है तो आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट से भी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो चलते हैं अटल पेंशन योजना पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अटल पेंशन योजना जो है वो इज अ स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कीम है, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ऑन इनकम आफ्टर एज ऑफ 60, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है, तो मिनिमम गारंटीड पेंशन आपको मिलेगी 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की आफ्टर एज ऑफ 60, और 80CCD सेक्शन के अंडर आपको टैक्स रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइबर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो गुजर जाते हैं, तो जो नॉमिनी होगा मोस्ट केसेज में स्पाउस ही होता है, तो उसको भी वही पेंशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी जो है 18 से 40 ईयर्स है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा आईडी ऐड नहीं किया गया अभी तक, अपडेट नहीं, SBI स्लो है अपडेट के लिए, लेकिन अक्टूबर से इनकम टैक्स अगर आप भरते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कंट्रीब्यूशन जो है वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली कर सकते हो,
ठीक है, ऑटो डेबिट मोड में अपने सेविंग्स बैंक, बहुत मतलब आप कोई और भी बैंक अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हो, तो SBI सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नो मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नो मोर पे देखते हैं। FAQ वगैरह है तो आप FAQ पढ़ लेना, तो अप्लाई नाउ करते हैं, ठीक है। देखो ये फिर वही बोल रहे हैं SBI की इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करो, ई सर्विसेज पे क्लिक करो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे क्लिक करो, वगैरह वगैरह। खैर चलते हैं ऑनलाइन SBI पे। ओके, तो मैं यहाँ SBI की नेट बैंकिंग यूज करके अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग से उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग क्या, प्राइवेट बैंक अगर आप यूज करते हैं तो उनके तो ऐप में ही ऑप्शन आ जाता है, आप ऐप से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको इधर उधर रीडायरेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसा है वैसा है, ठीक है। तो जल्दी से इस पर लॉगिन करते हैं, कैप्चा वगैरह डालते हैं, पासवर्ड और OTP भी आजकल मैंडेटरी हो गया लॉगिन के लिए, तो OTP डालने के बाद आगे की बात करते हैं। एक चीज और याद रखना, SBI में आप जो भी स्कीम के लिए अप्लाई करते हो, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही, अगर आप किसी भी चीज का SIP वगैरह भी क्रिएट करना चाहते हो, या उस दिन से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अप्लाई करना था, तो SBI में ये सारी सर्विसेज का जो एप्लीकेशन है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुला रहता है। अगर आप ये कभी बाद में देख रहे हो या दूसरे टाइम पे देख रहे हो, तो अभी अप्लाई करोगे तो आपको एक ब्लॉक स्क्रीन बस मिल जाएगी, फिर आपको रीडायरेक्ट मतलब वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो OTP भी आ गया हमारा, ठीक है। OTP आते ही हो सकता है आपको ये वेरीफाई ईमेल एड्रेस करने बोलें, तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी लेटर का भी ऑप्शन है, सब कुछ कंपलसरी नहीं है, फिर भी मेरी स्टेटमेंट्स आती हैं ईमेल पे, ठीक है। फिर यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में से आपको ये 3 लाइन दिख जाएंगे, यहाँ से आपको ई सर्विसेज टैब पे जाना है, ई सर्विसेज टैब, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा, खैर हो गया, ई सर्विसेज टैब में जाना है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे आपको ATM कार्ड सर्विसेज, लोन सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट, ई कार्ड, डीमैट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पैन रजिस्ट्रेशन, यहाँ आ गई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, PMJJBY, PMSBY और APY। APY ही है हमारी स्कीम जिसमें हमें अप्लाई करना है, अटल पेंशन योजना। इसमें और भी अभी देखेंगे एप्लीकेशन के समय, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं कि SIP वगैरह करना है क्या करना है, क्योंकि प्लान्स तो हमने देख लिए कि कितने कितने आपको डालने हैं, तो क्या खुद से आके डालना पड़ेगा या ऑटो डेबिट फंक्शनैलिटी मिलेगी। स्कीम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप याद से स्कीम सेलेक्ट कर लेना, तो ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला करना है, अटल पेंशन योजना। अकाउंट नंबर जो आपका रहेगा वो फ्लैश हो जाएगा, अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है या ज्वाइंट होल्डिंग है तो याद से सही अकाउंट चूज करना, ठीक है। नो मोर पे भी क्लिक करके यहाँ पे और पढ़ सकते हैं, तो एक मिनट ले ही लेते हैं। तो अटल पेंशन योजना जो है वो स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस्ड की हुई, ठीक है। 18 से 40 साल तक के लिए एलिजिबल है। एक चीज, जितने जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतनी कम आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और जितने लेट से स्टार्ट करोगे उतनी ज़्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट होगी सेम अमाउंट ऑफ पेंशन के लिए, बात समझ रहे हो। जैसे अगर आप 18 साल से ही शुरू कर दोगे, एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर आप 18 साल से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दोगे तो आपको पर ईयर 500 रुपये का खर्च है, पर मंथ 1000 रुपये की पेंशन वाला कैलकुलेशन हम यहाँ ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 40 साल में शुरू करते हो तो क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 साल होंगे इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मत समझना कि सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चार्ट में आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर शुरू करना है तो जल्दी कर दो, और अगर आप इनकम टैक्स भरोगे ही तो 1 अक्टूबर से पहले कर दो। वैसे कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, कि 1000 से 5000 ही है, ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 5000 रुपये मंथली मिलेंगे तो उसका कुछ कर देंगे, उसकी पॉकेट मनी किसी को दे देंगे, उसको किसी को गिफ्ट दे देंगे, मतलब अलग रखना चाहते हो, तो उस तरह के भी उससे माइंडसेट से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। खैर वापस चलते हैं एप्लीकेशन पेज पे, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। CIF नंबर भी शो हो जाता है, तो आपको बस कंफर्म कर देना है। तो ये सब उसके लिए, इसके बाद मल्टीपल अकाउंट है तो उसको अच्छे से कंफर्म करना है, इसके बाद सिंगल है उसका तो वही शो करेगा, है ना। देखो वेदर बेनिफिशियरी ऑफ अदर सोशल स्कीम, तो यहां पे आप नो कर सकते हो। अब नो क्यों करना है, मतलब यस भी कर सकते हो, लेकिन नो करना ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये उसके लिए लाया गया है जो अदर सोशल स्कीम में नहीं है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यक्ति जो है वो कैसे मल्टीपल इसमें रहेगा, होप समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आप उसको पढ़ के कंफर्म कर लेना नेक्स्ट स्क्रीन पे। जैसे मैं अगर पढ़ दूं तो सबसे पहले ब्रांच आ जाएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, नेम, फोन नंबर, आप चाहो तो अपना एडिशनल फोन नंबर डाल भी सकते हो, ठीक है, आजकल वैसा कुछ नहीं है कि नहीं डाल सकते, ठीक है। प्राइमरी फोन नंबर आपका बैंक अकाउंट वाला ही रहेगा,
ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना याद से, फिर एड्रेस वगैरह आएगा, आधार नंबर आपको देना है, मतलब वो खाली है, वो खाली क्यों है पता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेदर इनकम टैक्स पेयर, तो इसको तो नो ही कर देना, ठीक है। फिर से एड्रेस आएगा, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पति या आपके पत्नी का नाम रजिस्टर करने आएगा, फिर नॉमिनी ये करने आएगा, ठीक है, नॉमिनी डिटेल्स भरने आएगा, तो आप नॉमिनी डिटेल्स भर लेना, रिलेशनशिप विद सब्सक्राइबर, इसमें सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, बेटा बहू, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है तो अदर्स का ऑप्शन करके आप और भी कुछ डाल सकते हो। 18 साल वाले बच्चे तो पता नहीं है क्या क्या ही अदर्स करके डालते। फिर आपको यहाँ पेंशन डिटेल्स पूछेगा, पेंशन डिटेल्स में आपको क्या भरना है, नॉमिनी के जस्ट बाद पेंशन की अमाउंट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 1000 2000 जैसे मैंने आपको पांचों प्लान की चार्ट दिखाए थे वैसा आपको पांचों प्लान सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में ऑटो डेबिट की डेट सेलेक्ट करनी है, तो ऑटो डेबिट की डेट का आपके पास पूरे मंथ का चार्ट है, तो आप 1 से लेकर 28 तक कभी भी सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि फरवरी में दिक्कत नहीं हो, इसलिए 28 तक ही रखते हैं, ये एक फन फैक्ट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की पीरियोडिसिटी है, आप मंथली सेलेक्ट करना चाहते हो, क्वार्टरली देना चाहते हो या हाफ ईयरली, देखो आप जैसे ही मंथली प्लान सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, क्वार्टरली करोगे तो अमाउंट चेंज होगा, और फिर से हाफ ईयरली करोगे तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। SMS सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, तो येस कर लेना, क्यों येस कर लेना क्योंकि कम से कम आपके पास पैसे कटे तो मैसेज तो आना कि अरे पैसे कट गए APY के, समझ रहे हो। सबमिट पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो यहां से रेफरेंस नंबर वगैरह नोट कर लेना, और मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह आ ही जाएगा अगर आप ईमेल रजिस्टर कर लिए होगे याद से। तो देखो कुछ भी आजकल ऑनलाइन ये करने से पहले ना ईमेल और फोन नंबर वगैरह सही रखा करो, एक ही रखा करो, इजी रहता है सब कुछ ट्रैक करने। चलो फिर बाय। और डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म डाउनलोड करने का, तो वो तुरंत से डाउनलोड कर लेना।